मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पर्यटन के शानदार केंद्र के रूप में विकसित हुए रामगढ़ताल में कियोकिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। गुरुवार की सुबह इसकी शुरुआत के वक्त प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। कियोकिंग का लुफ्त उठाने के बाद वह बोल पड़े, मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ताल को ऐसा सवारा है कि लग रहा है मुंबई आ गए हैं। 5 साल पहले तक उपेक्षित रहे रामगढ़ताल की गिनती पूर्वी उत्तर प्रदेश के पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में हो रही है। जिस ताल में शहर भर की गंदगी गिरती थी, वह सीएम योगी के विजन और उसके अनुरूप हुए विकास कार्यों से ऐसा निखर उठा है कि दूर दूर से लोग उसकी खूबसूरती का दीदार करने आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग हो रही है। बड़ी सुविधाओं से पर्यटकों की आमद अधिक हुई तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार का भी मौका मिला। रामगढ़ताल में कई तरह की आकर्षक नावों और डबल डेकर बोट की सवारी का आनंद लेने वालों को गुरुवार से कियोकिंग करने का भी अवसर उपलब्ध करा दिया गया। अब लोगों को कियोकिंग जैसे वाटर एडवेंचर के लिए मुंबई, गोवा या केरल नहीं जाना पड़ेगा। इसका आनंद रामगढ़ताल में ही उठाया जा सकेगा। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप रामगढ़ताल में कियोकिंग की शुरुआत करने वाले गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि अभी 5 कियोक मंगाए गए हैं। इससे लोगों को यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह एक खेल की श्रेणी में आता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद रवि किशन शुक्ल, एडीजी जोन अखिल कुमार ने भी कियोकिंग की। कियोकिंग के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आज गोरखपुर का नया नज़ारा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी ने इसका कायाकल्प कर दिया है। आने वाले समय में गोरखपुर प्रदेश का टूरिस्ट कैपिटल बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल एवं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा। अरे बीसी सर, आप भी बैठ जाइए। इधर इधर, अरे कहाँ उधर, अरे भाई घुमाइए घुमाइए घुमाइए, इधर घुमाइए, वाह 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 वाह, घुमाइए इधर। लाइए इधर, बोलो उल्टी एडी सब सतो सरकार सरकार एक बटो काम कर साल में से पीछे दिए और इसको बताया मंत्री जी का हाथ पकड़िए। हमें अपना जो लेख है गोरखपुर का, इसको पॉपुलराइज करना है। उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में इतना बड़ा लेक नहीं है, बट उस लेक का पूरा पोटेंशियल अभी रियलाइज नहीं हुआ है। उसी पोटेंशियल को रियलाइज करने के दिशा में ये पहला कदम है। एक कदम है, कई कदम उठाए गए हैं, उसमें से एक कदम है जिसमें कयाकिंग को ट्राई की गई है। कयाकिंग वर्ल्ड वाइड लेक्स में एक पॉपुलर स्पोर्ट है, जो लेजर और प्रोफेशनल दोनों खेलते हैं करते हैं। इसी को पॉपुलराइज करने के लिए, क्योंकि नया स्पोर्ट है, नया क्षेत्र है, नए लोग कैसे आएंगे और करेंगे, उसको दिखाने के लिए आज कयाकिंग की गई है। मुझे उम्मीद है कि नवयुवक आएंगे और कयाकिंग का लुत्फ़ उठाएंगे, लेक के अंदर जाएंगे और कयाकिंग का अनुभव करेंगे, उनको बहुत मजा आएगा। आज गोरखपुर के लिए बड़ा ही शुभ है कि पूज्य महाराज जी यहीं पर हैं और अचानक से हमारे मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी भी यहाँ पर आ गए हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, विच इज सच अ सरप्राइज फॉर मी, मुझे एक सांसद के रूप में। और आज एक कायकी बोट हम लोग लेके आए, अनगिनत जैसे वाटर क्रूज अभी ऑस्ट्रेलियन आ रही है।
सो पानी का, जैसे महाराज जी हमेशा चाहते थे कि वाटर स्पोर्ट्स रहें, लोग जागरूक रहें, टूरिज्म बढ़े, फिल्मों की शूटिंग, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 3 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त यहाँ हो रही है, रोजगार का एक नया आयाम छू रहा है गोरखपुर, उसमें आज इनके द्वारा ये उद्घाटन हुआ कैकी का बोर्ड का, और इन्होंने स्वयं उतर कर इसमें पहल की। मुझे जाना था लेकिन ये जैसे मंत्री जी ने कहा और गो, तो मैंने बोला मंत्री जी जा रहे हैं तो मैं एक सांसद के रूप में, तो हम दोनों ने कायकी बोर्ड चलाया, ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था की, और मैं सभी अधिकारी गण को जो भी जुड़े हैं इससे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईडीजी भी बगल में हमारे साथ, ईडीजी सर भी हैं, अमित रंजन भी हैं, प्रेम रंजन भी हैं, तो सब लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष प्रसन्नता का की बात है कि आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गृह क्षेत्र में, और हमारे सांसद जी ऊर्जावान रवि किशन जी के साथ आज यहाँ ये गोरखपुर का नया नज़ारा देखने को मिला है। लगता नहीं है कि गोरखपुर है, लग रहा है बम्बई आ गए, कायाकल्प कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, सांसद जी द्वारा, और ये बड़े मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ ये किया है पूरा परिवर्तन दिखता है, ये आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा और गोरखपुर जो है एक टूरिज्म की राजधानी बन के उभरेगा।